हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। मनरेगा के तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। मनरेगा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मनरेगा योजना का जो प्रारंभ है यानी शुरुआत है इसकी, उसको भारत सरकार ने किया था। बेसिकली इसका जो मकसद था पलायन रोकने के लिए, जैसे जैसे बिहार के मजदूर हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायन करते थे, देश में विदेश में जाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये ज़मीनी स्तर पर उतना भी कारगर नहीं है कि अभी लोगों का जाना बंद हो गया है, लेकिन एक प्रयास था, एक शुरुआत था, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण इलाके से जो लोग हैं, वो अपने जगह ही जो कार्य है, काम है, वो कर सके, उनको 100 दिनों का गारंटी रोज़गार मिल सके। जैसे ग्राम पंचायत भवन में जो कार्य हो गया निर्माण, उसका निर्माण करना, उसमें मजदूर का काम करना, उसमें राजमिस्त्री का काम करना, लेबर का काम करना। कुछ पंचायत भवन बनते हैं, कुछ ब्लॉक स्तर पर काम होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनती हैं, कुछ सामुदायिक भवन बनते हैं, कुछ शौचालय बनते हैं, तो उसमें 100 दिनों का रोज़गार इसमें इसको दिया जाता है। अब इसके लिए रेट भी यहाँ पर तय किया गया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें क्या बदलाव किया गया है, आइए हम आपको विस्तार से बता दें। अब बिहार में मनरेगा मजदूरों का मेहनताना 8% बढ़कर दैनिक 200 रुपये की जगह यानी 210 रुपये मिलता था पहले। यहाँ मनरेगा जो मजदूर थे जिनके पास, जो आप इसको तरह तरह नाम से जानते होंगे, नरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जॉब कार्ड, इस तरीके से आप इसको जानते होंगे, ठीक है। ये हेल्थ कार्ड और उससे विपरीत है, ये बिल्कुल अलग है, ये मनरेगा जॉब कार्ड है। मनरेगा जॉब कार्ड के रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो बनाया है पहले से, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा डिटेल्स में सीख सकते हैं कि किस तरीके से मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जाता है। कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों का मनरेगा जॉब कार्ड बना था, उसको डाउनलोड करने का तरीका भी हमने उस वीडियो में बता रखा है। तो पहले इसमें 210 रुपये मिलता था, अब आपको इसमें बढ़ा दिया गया है, तो 210 रुपये की जगह आप 228 रुपये आपको अब यहाँ पर मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों के लिए जो मजदूरी के वेतन में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की जो बढ़ोतरी की गई है, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ग्राम में मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंचायत हो गए या कोई दलाल हो गए, आपसे काम तो करवा लेते हैं, अब इसमें जो पेमेंट है वो आपके खाते में आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे काम करवा लेते हैं और जो पैसा है वो आपके खाते में आता है और वो आपसे निकलवा लेते हैं, आपसे मांग लेते हैं कि पैसा आपका इतना ही आया था, हमने किसी और चीज़ का आपका पैसा डाला था। या कई बार ऐसा भी होता है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि ठेका दे करके काम करवा लिए, जहाँ मतलब जो इसका मतलब क्या है नरेगा जॉब कार्ड का, कि गारंटी 100 दिन का आपको रोज़गार देना है, इसमें मजदूर लेबर जो काम करेंगे तो उसी का ना आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें जैसे भी लगवा करके या मशीनें लगवा करके जो काम 15 दिन का है उसको 4-5 दिन में ये सल्टा लेते हैं और वहाँ पर फिर आपसे आपका नरेगा जॉब कार्ड लेते हैं, आपका पासबुक लेते हैं और सरकार को ये दर्शाते हैं, चूँकि सरकार को तो दर्शाना होता है भैया कि आपने नरेगा के तहत जो मजदूर थे उनको आपने रोज़गार दिया या नहीं दिया, तो वहाँ पर ये आपसे सिग्नेचर ले लेंगे, साइन ले लेंगे, दर्शा भी देंगे कि हाँ हमने इनको जॉब भी दिया, रोज़गार भी दिया, आपसे काम 1-2 दिन लेंगे। अब आपको भी लगेगा भैया हमें तो 1-2 दिन काम ही लिए हैं तो हमें जो पैसा है वही ना, लेकिन आपसे ही अपना पैसा वो मतलब इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आपसे पैसा कमा करके। सरकार किसी ठेकेदार को या किसी पंचायत मुखिया को पैसा नहीं देती है, पैसा नरेगा जिनके पास जॉब कार्ड होता है उनके अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर दर्शाते हैं कि हाँ हमने काम लगवाया, काम करवाया, इनको रोज़गार दिया, तो वो पैसा आपके खाते में जाता है, लेकिन ये आपसे फिर हो सकता है कि मांग लेते होंगे कि पैसा दे दीजिए, हमने किसी और चीज़ का पैसा डलवाया या इसने परसेंटेज वगैरह करके, ये बिहार में चलता ही रहता है यहाँ पर। तो इसमें आपको सचक
सचेत रहना है, सजग रहना है। जब तक आप सचेत और सजग नहीं रहेंगे आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही वाला काम होगा कि मुखिया सरपंच तो आप बन गए हैं लेकिन आप किसी अंदर में रह रहे हैं। तो यहाँ दो तरह का मुखिया सरपंच पार्षद चेयरमैन वगैरह होते हैं, एक जो खुद होते हैं जिनके अंदर खुद की टैलेंट होती है, एक वैसे होते हैं जो किसी के मोहरे होते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, बस उनको खड़ा कर दिया रहता है, चेहरा वो रहते हैं, काम कोई और करता है, ऐसा बिहार में होता रहता है। आगे आपको बता दें यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस फैसले से बिहार के मनरेगा मजदूरों को, जो मनरेगा मजदूर हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। तो ये बेसिकली अपडेट मनरेगा मजदूर के लिए मैंने आपको बताया। जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड और आयुष्मान कार्ड, उसके बाद कई तरह के कार्ड हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है, लेबर कार्ड, सब अलग अलग तरह के कार्ड हैं, सब पर डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर चैनल चेकआउट कीजिए, बहुत सारे पहले के वीडियोस बड़े हुए हैं। थोड़ा सा प्यार दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, रीच जो है ना बहुत डाउन हो चुका है, ठीक है। तो मुझ में भी कमी है, वीडियो थोड़ा डिले आता है, क्योंकि देखिए झूठ इन्फॉर्मेशन फालतू का बाहियात की बातें मैं नहीं करता हूँ, जो सही और सटीक होता है वही मैं आपको जानकारी बस देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और प्यारा सा नीचे एक कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।